नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। कल रात उत्तर प्रदेश के बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी के साथ आखिर क्या हुआ? माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक क्यों खराब हो गई? कैसे वॉशरूम में मुख्तार अंसारी गिर पड़े? दरअसल उनके भाई और समाजवादी पार्टी के नेता अफजाल अंसारी ने यूपी सरकार और जेल प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्तार को कई दिन से रात के खाने में धीमा जहर दिया जा रहा था, जिसके बाद मुख्तार को बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। अब सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के आरोपों में कितना दम है? खाने में स्लो पॉइजन यानी कि धीमे जहर वाली थ्योरी में कितना सच है और कितना झूठ? ये काफी दिनों से उनके हत्या करने का साजिश रची जा रही है। मुझे देखने भी नहीं दिया गया, मिलने भी नहीं। जेल में ही उनको जहर दिया गया था, वो लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में एडमिट रहे। माफिया मुख्तार अंसारी को जेल में धीमा जहर। क्या जेल में रची जा रही थी मुख्तार की हत्या की साजिश? मुख्तार और अफजाल के दावों में कितना दम? पूर्वांचल में दशकों तक आतंक का पर्याय रहे माफिया मुख्तार अंसारी को क्या जेल में खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है? क्या बांदा जेल में मुख्तार के खाने में जहर मिलाकर उसे धीरे धीरे मौत की ओर धकेलने की साजिश रची जा रही थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुख्तार के भाई और नेता अफजाल अंसारी ने मुख्तार को जेल में जहर दिए जाने का आरोप लगाया है। खाने में कुछ कुछ तरह के पदार्थ डाल दिए जा रहे हैं जिसको खा के व्यक्ति जो है। आप मुख्तार अंसारी से मिले भी हैं अलग से, आपका क्या वार्ता हुई? यार मैं बता तो रहा हूँ कि उन्होंने खुद कहा और डेट बताया कि इस डेट को रात वाले खाने में मुझे दिया गया जा रहा, और उसके बाद मेरी फौरन तबीयत बिगड़ गई और तब से मैं कह रहा हूँ वहीं इलाज होता रहा। जेल के डॉक्टर इलाज करते रहे, दो एक यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से इलाज जाके करते रहे। जब सब कुछ काबू के बाहर हो गया, और या अगर उन सबकी मिली भगत है तो उन लोगों ने ये समझ लिया कि अब डेड एंड के कगार पे है, तो ये बॉडी कैसे जेल में इसको कहीं अस्पताल में दिखा दिया जाए। दरअसल बांदा जेल में बंद चल रहे मुख्तार अंसारी की सोमवार रात को तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद मुख्तार टॉयलेट में ही गिर गया था, जिसके बाद मुख्तार अंसारी को बांदा के ही मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। मुख्तार अंसारी को पेट में दर्द हुआ, स्टूल पास करने में 4-5 दिन से दिक्कत हुई, जिसके चलते यहां पर उनको भर्ती कराया गया पहले। हालांकि एक टीम कल रात में गई और डॉक्टर्स ने ही सजेस्ट किया कि इनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, जिसके बाद सुबह 3:55 पर मुख्तार अंसारी को यहां लाया गया। हालांकि परिवार से अफजाल अंसारी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं गाजीपुर से, उन्होंने मुलाकात की है, उन्होंने भी कई दावे किए हैं। उनका कहना है कि मुख्तार अंसारी से उनकी बातचीत हुई, जिसमें मुख्तार ने उनसे ये बात खुद कही है कि मेरे खाने में पिछले 40 दिन पहले भी इस तरह से धीमा जहर मिलाया गया था और एक बार फिर से मिलाया गया, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब है। इससे पहले मुख्तार की वर्चुअल पेशी जब हुई थी उसमें भी खराब स्वास्थ्य के चलते वो पेश नहीं हो सका था। कुछ दिन पहले भी मुख्तार के वकील ने खाने में जहर दिए जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद बांदा जेल के जेलर और दो डिप्टी जेलर सस्पेंड कर दिए गए थे। बांदा जेल के जेलर और दो डिप्टी जेलर सस्पेंड कर दिए गए। अब आप समझ सकते हैं, मुख्तार अंसारी की तरफ से न्यायालय में उनके वकील ने आवेदन किया कि जेल में उनको कोई ऐसा विषाक्त खाना दिया गया जिसमें जहरीला पदार्थ था, जहरीला पदार्थ मिलाया गया था, इससे उनकी तबीयत खराब हुई, हालत खराब थी। अपने जो वर्चुअल पेशी पे वो आते थे कोर्ट के, उस पे भी पिछले 2-3 दिनों से तो नहीं आ सके। उनके जगह पे जब जेलर खड़ा हो रहा है तो वो कहता है कि नहीं वो अस्वस्थ है इसलिए नहीं आ रहे हैं। इस बीच में हम लोग जानते हैं कि काफी दिनों से उनके हत्या करने का साजिश रची जा रही है। हालांकि बांदा जेल प्रशासन की ओर से जारी बयान में मुख्तार और अफजाल अंसारी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। जेल ने बताया मुख्तार अंसारी की तबीयत रात में अचानक खराब हो जाने और टॉयलेट में गिर जाने की वजह से तत्काल जेल में मौजूद डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। दरअसल 3 दिन से मुख्तार यूरिन इन्फेक्शन से परेशान था,
जेल प्रशासन ने जिला प्रशासन को जानकारी देकर डॉक्टर्स की टीम बुलाई, जिसके बाद मुख्तार को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इस बार फिर उसकी जान अभी आज देखने के बाद हमें इत्मीनान हुआ है कि अभी इस घटनाक्रम में तो वो बच गया है। हम लोग तो यही सोच के चले थे, 3 बजे भोर में जब खबर पहुंची कि वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर दिए गए, और कई दिनों से ये चल रहा था कि उन्हें जहर दिया गया है। जेलर, डिप्टी जेलर और कई कर्मचारी सस्पेंड किए गए थे, लेकिन शुक्र है कि हॉस्पिटल समय से आ गए और यहाँ उपचार हुआ और उनका जीवन फिलहाल तो बचा हुआ दिखता है। अब आगे कोई और खड़ियंत हो जाए। वहीं मुख्तार अंसारी के बेटी उमर अंसारी ने आरोप लगाया है कि वो 900 किलोमीटर से पिता से मिलने आया, लेकिन उनसे मिलने तक नहीं दिया गया। उमर ने कहा कि पिता के बिना 25 साल से ईद बकरीद मनाने का दुख उनका परिवार ही समझ सकता है। मुझे नहीं मिलने दिया गया, मुझे स्पष्ट रूप से, मैं अपनी आईडी और सब फॉर्मल एक लेटर मैंने अपनी तरफ से एप्लीकेशन लिख के दिया। नहीं, उनको जहर दिया गया था, वो लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में एडमिट रहे और तबीयत उनकी बहुत दिन खराब रही। उसके बाद फिर ले आके वापस बांदा में उनको वो किया, ले आके रखा। लेकिन बात ये है कि सब कुछ आपके सामने है, खाना आप दोगे, रखेंगे आप हमें जैसे चाहोगे रखोगे, तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर क्या कहना है। सोमवार रात को मुख्तार की जेल में हालत बिगड़ने की खबर के बाद बांदा की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल रात में ही जेल पहुंची और मुख्तार को एम्बुलेंस से कड़ी सुरक्षा में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। गाजीपुर में महमदाबाद में मुख्तार के पैतृक घर में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां आने जाने वाले मुख्तार के रिश्तेदार भी उसकी तबीयत को लेकर परेशान दिखे। समर्थ श्रीवास्तव के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, बांदा आज तक। एक बड़ी खबर इस समय मुख्तार अंसारी को लेकर आ रही है और वो खबर ये है कि मुख्तार अंसारी की अब जेल में ही मेडिकल जांच होगी। मेडिकल जांच के बाद मुख्तार को जेल वापस भेज दिया गया है। 3 डॉक्टर्स ने ये जांच की थी, अब जेल में ही निगरानी डॉक्टर्स करेंगे। डॉक्टर्स की एक पूरी टीम डॉक्टर्स जेल में ही मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य का परीक्षण होगा, वहीं पर जांच होगी, वहीं पर देखा जाएगा। बांदा जेल एक बार फिर से अस्पताल से मुख्तार को भेज दिया गया है। मुख्तार की हालत पहले से बेहतर है, डॉक्टर्स का यह बयान भी आ गया है। 3 डॉक्टर्स की टीम ने मुख्तार अंसारी की जांच की थी। अब मुख्तार अंसारी की तबीयत उतनी खराब नहीं है कि अस्पताल में रखा जाए, तो इसलिए अब एक बार फिर से बांदा जेल मुख्तार अंसारी को भेज दिया गया है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने बताया कि मुख्तार को मिटाने की साजिश लंबे समय से हो रही है, लेकिन ऊपर वाला बार बार मुख्तार की जान बचा लेता है। अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि मौत का दिन तो निश्चित है, लेकिन कुछ लोग मुख्तार को मारने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये बताएंगे कि आखिर मुख्तार क्यों उत्तर प्रदेश सरकार के रडार से बाहर निकलने को बेकरार है, और उस टाइमलाइन को भी हम आपको बताएंगे कि कैसे योगी सरकार लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मुख्तार को पंजाब से उत्तर प्रदेश ला सकी थी। मौत का एक दिन निश्चित है, लेकिन शैतान हत्या की साजिश तो कर ही सकता है। ये शब्द माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार अफजाल अंसारी के। अफजाल अंसारी यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुख्तार पुराने मामलों में गवाही देगा तो पूर्वांचल के माफिया ब्रजेश सिंह को सजा हो जाएगी, इसलिए सरकार मिलकर साजिश रच रही है। हमारा मानना है कि मौत का एक दिन निश्चित है, लेकिन शैतान कोशिश तो कर सकता है और तमाम तरह की उनको मिटाने की, उनकी हत्या करने की कोशिशें हो रही है। उसके पीछे एक बड़ी वजह, जो सबसे जरूरी वजह है, वो ये है कि ब्रजेश सिंह जो हैं, उनके खिलाफ 15 जुलाई 2001 में जब मुख्तार अंसारी पर उसरी में आक्रमण हुआ था, तो उनके खिलाफ नामजद अभियुक्त बना करके त्रिभुवन सिंह ब्रजेश सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें गवाही चल रही है। तो हालत खराब ये है कि मुख्तार अंसारी कोर्ट में गवाही जब करेगा तो सजा निश्चित है, उसमें 5-6 गवाही कर चुके, तो उससे पहले कि उनकी गवाही हो जाए उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए। हालांकि अफजाल अंसारी ने कहा कि उन्होंने मुख्तार के प्रॉपर इलाज के लिए सीएम योगी से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात बन नहीं सकी। हमने मुख्यमंत्री के आवास पे टेलीफोन किया था,
नई बात हुई, बताया गया कि वो गोरखपुर में है, बात कराने के लिए कोशिश किया, बात करा दीजिए, तो उन्होंने बताया गया कि वो गोरखपुर में है, कल आएंगे, कल आप फोन कीजिए, बात हो जाएगी, तो कल कोशिश करूंगा बात करने की। मुख्तार की बीमारी के बहाने समाजवादी पार्टी एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर दिखी। अब बीजेपी समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग जारी है। उनको स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या है तो जेल के बाहर भी उनका इलाज कराया जाए, फिर वो कैदी कोई भी हो, क्या अपराध है, कौन व्यक्ति है, मैं समझता हूँ सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ तक उन पर लगाए गए आरोपों का सवाल है तो उन आरोपों को समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं कहना है। समाजवादी पार्टी समझती कि जितने भी कैदी जेल में बंद हैं उन सबको बेहतर इलाज मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। मुख्तार का परिवार लंबे समय से मांग कर रहा है कि मुख्तार के सारे केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिए जाएं। इसके लिए मुख्तार के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन सवाल है कि क्या एक बार फिर मुख्तार अंसारी योगी सरकार की पकड़ से बाहर जा सकता है। याद करिए योगी सरकार को मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से वापस यूपी लाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। जनवरी 2019 में बांदा जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी ने पंजाब के एक बिल्डर को फोन कर 10 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और रंगदारी नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद पंजाब पुलिस केस दर्ज कर प्रोडक्शन वारंट लेकर बांदा पहुंची और मुख्तार अंसारी को अपने साथ मोहाली ले गए। फिर 24 जनवरी 2019 को उसे मोहाली कोर्ट में पेश किया गया, जहां से मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़कर मुख्तार अंसारी को वापस यूपी आने पर मजबूर कर दिया था। फिर 7 अप्रैल 2021 को मुख्तार अंसारी व्हीलचेयर पर बैठकर बांदा जेल ले जाया गया। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।